एमएलसी चुनाव गोपालगंज का अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जो मतगणना का जो रुझान आया है उस रुझान में भाजपा प्रत्याशी राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह गप्पू बाबू अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के दिलीप सिंह उर्फ दिलीप बाबू को लगभग 21 मतों से पीछे कर दिए हैं। ये मेरे पास खड़े हैं, ये जीत पर ये क्या अपना अभिव्यक्त करते हैं, इनसे जानते हैं। ये जीत गोपालगंज के पूरे जनता की है, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में मत देने का काम किया। साथ साथ मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, आपने सही समय पे आपने हर चीज़ को कवरेज करके जनता को बताने का काम किया। साथ साथ मैं जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना, कि उनके कार्यकाल में बिहार का स्वर्णिम इतिहास जो रचना हुआ उसका ये आशीर्वाद और देन है। जिससे अभी विधान परिषद में उठ लेने के बाद आगे आप पहला क्या हुआ? गोपालगंज का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। जो ऐसे तो विकास तो गति से दौड़ रहा है पूरे बिहार में समेत गोपालगंज में, लेकिन जो कार्य अधूरा रह गया उसको कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसमें मीडिया साथियों का भी मार्गदर्शन मुझे समय समय से मिलता रहेगा और हम लोग मिलकर इस गति को आगे बढ़ाएंगे। अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ है, जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं वो दिलीप बाबू कुमार उर्फ गप्पू बाबू, इन्होंने पहला उद्देश्य किया है कि प्रथम बार शपथ लेने के बाद गोपालगंज के विकास में अपनी कड़ी दिखाएंगे। सुनील कुमार तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।